हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिक्रिएटिंग फूड। आज मैं आपको खिचड़ी और खट्टे की रेसिपी दिखा रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी और कम टाइम में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आपका मन कुछ जल्दी और चटपटा खाने का मन करे तो आप खिचड़ी और खट्टे को ज़रूर बनाएं। उसके लिए आपको चाहिए, मैंने इस कप से 2 कप बासमती राइस लिया है और ये 1/2 कप मूंग दाल लिया है मैंने, और 2 टमाटर लिए हैं, उसको चॉप कर लिया है। ये 1 बड़ी प्याज को मैंने चॉप कर लिया है इस तरह से लंबा लंबा। पुदीने को, फ्रेश पुदीने को लिया है मैंने, इसमें पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप इसे पुदीने को ज़रूर ऐड करें इस डिश में। और ये हरा धनिया है थोड़ा सा, और 3 ग्रीन चिलीज ली है मैंने। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया ऐड करूँगी मैं। ये पीला बनता है खिचड़ी, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी हल्दी, तो आप हल्दी को जब भी मौका मिले अच्छा सा यूज़ करें, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है जो आपके लीवर को मेंटेन करता है। और स्वाद के लिए चाहिए साल्ट। अभी चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टमाटर कट किया था, उसी में हम पूरे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे, इस तरह से हमें आसानी हो जाएगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 1/2 स्पून जितना हल्दी ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून धनिया, और नमक। नमक आप हमेशा अपने स्वादानुसार डालें, जितने आप चावल डालते हैं उसके हिसाब से आप हमेशा नमक को ऐड करें। मैं इसमें मिंट लीव्स ऐड कर रही हूँ और हरा धनिया, इसी में मैं ग्रीन चिलीज़ को भी ऐड कर लूँगी। अभी मैं इसमें वाटर डालकर 1/4 कप जितना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी चलिए हम रेसिपी की ओर चलते हैं। मैंने खिचड़ी बनाने के लिए 1 कुकर को लिया है, आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये बहुत जल्दी बनता है, इसके लिए 1 विजल काफ़ी है। मैं इसमें 2 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद मैं 3 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी ऐड करूंगी। लौंग और दालचीनी से खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं प्याज को ऐड करूंगी। अभी हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। अभी देखिए ऑनियन का कलर चेंज होने लगा है, हमें इसे थोड़ा और ब्राउन करना है। देखिए अच्छे से ब्राउन हो गई है ये, हमने जो ये मसाला मिक्स किया था वो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम टमाटर गलने तक भून लेंगे अच्छे से। हमने इसमें नमक ऐड कर लिया है, टमाटर जल्दी भून जाएंगे। देखिए मसाला कितने अच्छे से भून रहा है, नहीं जल रहा है ये, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड करके मसाला बना लिया था। अभी मैं इसमें मूंग दाल ऐड करूंगी। मैंने 1/2 कप जो मूंग दाल लिया था उसको मैं
इस ऑयल में डालकर अच्छा सा भून लूंगी। अगर हम इसे राइस के साथ मिक्स करके डालेंगे तो मूंग दाल जल्दी गल जाएगी और टूट जाएगी, इसीलिए मैं तेल में थोड़ा सा फ्राई करके बनाऊंगी। हम पूरे मसालों के साथ मूंग दाल को भी अच्छे से भून लेंगे। अभी आपको थोड़ा सिम कर दें, गैस को थोड़ा सिम करके अभी बना लें 2 मिनट। अब थोड़ा टमाटर को क्रश कर लें। अभी देखिए अच्छा सा भुन चुका है मसाला। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। हमने 2 कप चावल लिए थे तो मैं 4 कप पानी लूंगी इससे, और आधा कप के लिए 1 कप। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी 1 कप, 2 कप। ये मैं मूंग दाल के लिए डाल रही हूँ। चार कप चावल के लिए और थोड़ा सा पानी मैंने मूंग दाल के लिए भी डाला है, 3/4 कप जितना। अभी मैं इस पानी को उबलने दूंगी, उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। देखिए अभी पानी उबल रहा है, मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। मैंने बासमती के चावल 15 मिनट पहले ही भिगो लिए थे, आप इसे ज़रूर भिगोएं। भिगोने से चावल खिले खिले से बनते हैं। अभी मैं चावल को ऐड करूंगी। अब चावल को ऐड करने से पहले नमक को एक बार ज़रूर चख लें, क्योंकि हम राइस ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा नमक ज़्यादा लगेगा। मैंने चख लिया है। देखिए खिचड़ी कितनी कलरफुल लग रही है। अभी मैं इसको बंद कर दूंगी और एक विजल आने तक रखूंगी, फिर 2 मिनट मैं दम के लिए छोड़ दूंगी। देखिए कितनी अच्छी सी खिचड़ी बनी है, कलरफुल। कितनी खिली खिली बनी है। आप हमेशा इस तरह की चीज़ों के लिए फ्लैट चम्मच का इस्तेमाल करें। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं। अब बस पानी का ध्यान रखें, अगर आप पानी ठीक डालेंगे तो आपकी खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए मूंग दाल भी नहीं टूटी है। देखिए जब भी कुछ स्पेशल खाने का मन करे, चटपटा खाने का मन करे, तब आप इस खिचड़ी को और खट्टे को ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें। देखिए कितनी कलरफुल है ये खिचड़ी। इसे आप नॉर्मल राइस के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप पार्टीज के लिए, गेस्ट के लिए बासमती चावल ही इस्तेमाल करें। आप मेरी और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।